हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की कार्य पत्रक है कक्षा फर्स्ट के लिए, पहली के लिए, और हमारे जो क्रम संख्या है वो है 155, डेट है वो है 28 जनवरी 2021। तो बच्चा कक्षा हमारी एक है, तो उसके बाद हमें सेक्शन भी लिखना है, कौन सा ए है, बी है, सी है या डी है, सेक्शन भी प्लीज़ मेंशन कीजिए। साथ में विद्यार्थी का नाम, आपका नाम लिखिए, और शिक्षक या शिक्षिका जो आपको पढ़ाती है उनका नाम आएगा। तो बच्चों शुरू करने से पहले, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। अब शुरू करते हैं कि नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे हैं और हमेशा रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइए बच्चों आज की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। कहानी को पढ़ते हुए कहानी में आए ऊ, ठीक है, ऊ इसकी मात्रा कौन सी होती है, नीचे की साइड, और ये ऊ इसको बड़ा ऊ भी बोलते हैं, कि मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाते हैं। मालू भालू, पहले हमें ये रहा, ठीक है, मालू भालू, एक पहले हम पढ़ते हैं फिर गोला लगाते हैं। एक भालू था उसका नाम मालू था, मालू खेतों से आलू और मूली चुरा कर खाता था। एक दिन मालू खेत में मूली खा रहा था, तभी लालू किसान आ गया। लालू को देख कर मालू डर गया, वह जोर से उछला और दुम दबाकर भाग गया। मालू भागता गया और बहुत दूर तक भागता गया। लालू किसान पीछे बहुत दूर रह गया था। मालू एक ऊंचे चबूतरे पर रुका और उसने आराम से बैठकर मूली खाई। सूरज डूब रहा था, मालू भालू अपने घर आ गए। तो हमने ये कहानी पढ़ी, इसमें हमें जहाँ पे भी ये ऊ की मात्रा आए वहाँ पे हमें क्या है, गोला लगाना है। तो सबसे पहले जो ये है यहाँ पे आ रहा है, फिर ये आ रहा है, हमें निशान दे रखा आलू पे, ल पे, मूली पर, मुँह के नीचे, म के नीचे, फिर हमारा कहाँ आ रहा है, एक ये रहा हमारा, ठीक है, इतना लगाए, उसके बाद हम लगाते हैं, ठीक है, गोला लगाएं, फिर हमारा मूली पे इतना लगा लें आप, इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, मालू पे आएगा, फिर आएगा हमारा ये वाला मालू पे, फिर हमारा दूर पे आएगा, ठीक है, लालू पे आएगा, इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा, चबूतरे के ब पे आएगा, ब के नीचे, सूरज के सब के नीचे आएगा, डूब के ड के नीचे आएगा, और ये हम मालू और भालू पहले ही कर चुके, जो पहले कर चुके उसको आप जरूरी नहीं है कीजिए, कर सकते तो हमारी प्रैक्टिस ही होएगी, ठीक है, हमने ये कर लिया। अब है कि चित्रों के नाम बोलिए और सही शब्द वाले डिब्बे पीला रंग हमें भरना है। कौन सा रंग भरना है, पीला, तो हम पीला चूज़ कर लेते हैं, पीला, ये पीला बनता नहीं है, थोड़ा पीला ये ही सही है, ठीक है, संतरी जैसा लगेगा लेकिन सही है, ठीक है, अब हम पीला कलर यहाँ से लेंगे। तरबूज ऐसे लिखते हैं, फिर क्या, उल्लू कैसे लिखते हैं हम, ऐसे बड़ा छोटा ऊ, फिर छोटा ला, फिर ल के नीचे मात्रा, उल्लू। फूल हम ऐसे लिखते हैं, मूली हम ऐसे लिखते हैं, हमने ऊपर भी देखा मूली कैसे लिखते हैं, ठीक है, और एक हमारा रह गया वो कौन सा है, सूरज हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, मूली ऐसे लिखते हैं, फूल ऐसे, और उल्लू ऐसे। तो आप भी इसको अपनी कॉपी में लिखो, चित्र बनाओ और इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कि चित्र देखकर सही व्यंजन पर ऊ की मात्रा हमें अब लगानी है। ऊ की मात्रा लगाएंगे हम कबूतर पे, कहाँ पे आएगी, ब के नीचे ऊ की मात्रा, चूहा च के नीचे ऊ की मात्रा, झूला झ के नीचे, भालू ल के नीचे, आलू पे भी क्या है, आलू पे कहाँ आएगी, ल के नीचे, ठीक है, ऐसे भालू के नीचे, भ के ल के नीचे, झूले पे झ के नीचे, चूहा पे चू के च के नीचे, और कबूतर पे ब के नीचे हमने क्या है, ओ की मात्रा लगाई। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब अभिभावक के लिए क्या है, अभिभावक कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स, अपने कहानियों के पिटारों से बच्चों को सत्य का महत्व बताने के वाली कोई कहानी सुनाए और उन्हें सच बोलने के लिए प्रेरित कीजिए, ठीक है। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी कठिन हो, हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि हम सच बोलते तो हमें आत्मसंतुष्टि होती है, और हम अगर हमारे से कोई गलती भी हो गई है तो हमारे पेरेंट्स हमें समझाएंगे, ठीक है, और इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। तो बच्चों ये आपकी आज की फर्स्ट क्लास की वर्कशीट है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइए। साथ में बच्चे जो नए बच्चे हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए, बाय बच्चों।